Good evening, guys. This is Ashish, and we are going to discuss here a new editorial of the Hindu diffusing tensions. 27th of October का ये editorial हम discuss करेंगे. हमेशा की तरह नए words आपको मिलेंगे, नए grammatical rules मिलेंगे, नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नई idioms and phrases आपको देखने को मिलेंगे. सब कुछ आप note करते चलिएगा. Session पसंद आए, like जरूर करिएगा और share करना मत भूलिए. चलिए स्टार्ट करते हैं नया एडिटोरियल डिफ्यूजिंग टेंशंस. डिफ्यूजिंग टेंशन, डिफ्यूज यहाँ पे वैसे देखिए डिफ्यूज का मतलब आपने काफी बार सुना होगा, बॉम्ब डिफ्यूज करना ये सब, तो इसका मतलब निष्क्रिय करना होता है, लेकिन यहाँ पे कम कर देने के लिए, रिड्यूस या लेसन कर देने के लिए डिफ्यूज शब्द का यूज किया गया है टेंशंस को कम करते हुए. तो देखिए क्या है ये, इसके लिए हमें पूरा ये पढ़ना पड़ेगा. द सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है. काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार में आपके सामने आ रहे हैं, जैसे कि इंटरिम, हम डिस्कस कर चुके हैं इस वर्ड को पहले भी. इंटरिम का मतलब अस्थायी या अंतरिम को बोलते हैं. सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है, पेव्स द वे, पेव्स द वे यहाँ पे इडियमेटिक एक्सप्रेशन है. इसका मतलब होता है क्लियर द वे फॉर या प्रिपेयर फॉर समथिंग, या तो तैयारी करना कोई चीज की या फिर रास्ता साफ कर देना कोई चीज के लिए. फॉर अ क्विक रेजोल्यूशन, क्विक का मतलब तेज और रेजोल्यूशन का मतलब हल. ऑफ द सीबीआई क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब संकट. तो सीबीआई का जो क्राइसिस है उसके तीव्र समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है उसने रास्ता साफ किया है, रास्ता दिया है, तैयारियां की है. ये सब कुछ इसमें हमें डिस्कस करना है. द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन होल्ड ऑफ द सिचुएशन. होल्ड का मतलब नियंत्रण है, कंट्रोल है. सुप्रीम कोर्ट ने सिचुएशन को अपने नियंत्रण में लिया है. इट हैज डन वेल, इट यहां पे आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए. इट हैज डन वेल, इसने ठीक किया है. टू ऑर्डर ए टाइम बाउंड एंड सुपरवाइज्ड इंक्वायरी. एक तो इन्होंने टाइम बाउंड इंक्वायरी की घोषणा की है कि आप इंक्वायरी कीजिए, लेकिन आप जो समय सीमा निर्धारित है, टाइम बाउंड का मतलब ही ये है कि रिलेटेड टू ए सर्टेन मोमेंट और एरा इन टाइम, मीन्स कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपको काम करना है. और सुपरवाइज्ड इंक्वायरी की, सुपरवाइज्ड इंक्वायरी का मतलब यह है कि जांच कीजिए लेकिन उसका सुपरविजन किया जाएगा, ऐसी जांच कीजिए. इंक्वायरी के साथ में इनटू प्रिपरेशन लगता है, ये ग्रामर का एक रूल यहां पे. द चार्जेज, और इंक्वायरी करनी किसकी है, उन आरोपों की जांच करनी है जो कि लगाए गए हैं साइडलाइन सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ. साइडलाइन से मतलब क्या है, साइडलाइन से मतलब है जिन्हें पद से हटा दिया गया है, उसको कहते हैं साइडलाइन. साइडलाइन करने का मतलब है रिमूव फ्रॉम एन ऑथोरिटेटिव पोजिशन. एक पोजीशन, एक पद पे बने हुए थे, निदेशक के पद बने हुए थे, इनको यहां से हटाया गया है. उनके खिलाफ लगे जांच आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया है कोर्ट के द्वारा. द गवर्नमेंट हैड सजेस्टेड दैट इट टुक द फर्स्ट स्टेप अर्लियर दिस वीक. गवर्नमेंट ने यह संकेत दिया है, यहां सजेस्टेड सुझाव ना देकर संकेत दिया है कि इसने पहला जो कदम है वो जल्द ही उठा लिया था इस सप्ताह, टू डिफ्यूज टेंशन, टेंशन को कम करने के लिए अराइजिंग फ्रॉम द फ्यूचर. और वो टेंशन जो कि अराइज हो रही थी या फिर उठ रही थी किससे, झगड़े से. फ्यूड का मतलब झगड़ा है, किसके भी झगड़ा था, बिटवीन द टू टॉप ऑफिसर, दो टॉप ऑफिसर्स जो हैं एजेंसी के उनके भी झगड़ा था. और ये एजेंसी सीबीआई है, दो टॉप ऑफिसर्स कौन कौन से हैं, आलोक वर्मा राकेश अस्थाना के बीच की बात है. व्हेन इट आस्क्ड मिस्टर वर्मा एंड स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना टू गो ऑन लीव, क्योंकि देखिए इसने सरकार ने क्या कहा है कि हमने राकेश अस्थाना और गोपाल जो आलोक वर्मा है इन दोनों को ही हमने बाहर का रास्ता दिखाया है, हमने कहा है कि छुट्टी ले लीजिए आप. तो ये हमने टेंशन को कम करने के लिए कदम उठाया है. एंड अपॉइंटेड एम नागेश्वर राव, हमने अपॉइंट कर दिया है एम नागेश्वर राव को एज इट्स इंटरिम चीफ, अपने अंतरिम चीफ के रूप में. एक बार फिर से इंटरिम शब्द का प्रयोग होता हुआ, इट्स यहां पजेसिव एडजेक्टिव है, इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स बनता है. आगे देखिएगा, दिस फॉलोड एन ऑर्डर बाई द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी इसको शॉर्ट में कहते हैं. दिस फॉलोड एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर के बाद की घटना है जब आदेश आया सीवीसी के द्वारा अक्यूजिंग मिस्टर वर्मा ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड डाइवेस्टिंग हिम ऑफ हिज पावर्स एंड फंक्शंस. जब मिस्टर वर्मा को नॉन कॉपरेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिखाया सीवीसी के साथ, और इन नॉन कॉपरेशन के चलते इस पे आरोप लगाए गए मिस्टर वर्मा के खिलाफ और इन्हें पदमुक्त कर दिया गया, मतलब वंचित कर दिया गया पद से. डाइवेस्ट का हम चर्चा कर चुके हैं, वंचित कर देने को डेप्राइव को बोलते हैं. ऑफ का प्रयोग हम यहां पे करेंगे प्रिपरेशन के रूप में. एंड फंक्शंस, उन्हें कार्यों से मुक्त कर दिया. हाउएवर, फिर भी दीज मेजर्स ओनली डिपेंड द सस्पिशन, ये जितने भी कदम उठाए गए हैं इन सब ने केवल एक ही काम किया है, संदेह को और गहरा किया है, संदेह और बढ़ाया है दैट द गवर्नमेंट वॉज इंटरफेयरिंग इन द सीबीआई डायरेक्टर्स फंक्शन, की गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई निदेशक की फंक्शनिंग में हस्तक्षेप कर रही है. ओके, द कोर्ट इंटरफेयर में देखिए इन प्रिपरेशन का प्रयोग है. द कोर्ट वाइल एंटरटेनिंग अ रिट पिटीशन फ्रॉम मिस्टर वर्मा, कोर्ट जो कि
रिट पिटीशन जो दायर की गई थी, जो याचिका दायर की गई थी मिस्टर वर्मा के द्वारा, उसको जब उसकी जो सुनवाई कर रहा था कोर्ट या उसको देख रहा था, क्वेश्चनिंग द लीगैलिटी ऑफ द ऑर्डर डाइवेस्टिंग हिम ऑफ हिज पावर्स, क्योंकि उस याचिका में मिस्टर वर्मा ने ये पूछा था कि भाई आप लीगैलिटी की बताइए, आप ये लीगल था क्या मुझे हटाना? इस संदर्भ में जो उन्हें पूछा गया कि उन्हें पद से हटाया गया ये लीगल था क्या, हैज आस्क्ड द सीवीसी फॉर ए क्विक प्रोब विद इन टू वीक्स इनटू एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। तो कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने सीबीसी से कहा है कि भी जल्द से जांच करवाइए और प्रोब के साथ में प्रिपरेशन इन टू का प्रयोग किया जाए। देखिए सामान्य रूल जो है ग्रामर के हम डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जो भी विशेष हम उनकी बात कर रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है उसी की हम चर्चा करें। तो इनसे कहा है कि भी दो वीक्स के अंदर अंदर आप इसकी जांच कीजिए और प्रोब के साथ इनटू का प्रयोग यहां पे किया गया है, आरोपों की जांच कीजिए तो उनके खिलाफ लगाए गए हैं, और ये जो है आरोप लगाए गए हैं एक लेटर के अंदर, जो लेटर भेजा गया था कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा 24 अगस्त को। ओके, अब देखिए यहां पर क्या पूछा गया आगे, इसके बाद में हमें देखना है इसके अंदर, हाँ, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ए के पटनायक, ये भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ए के पटनायक, इनको सुपरवाइज करना है। इज टू का जहां प्रयोग करते हैं इसका मतलब उन्हें वो कोई काम करना है, जैसे आई एम टू टीच अ न्यू टॉपिक, मुझे कोई नया टॉपिक पढ़ाना है, ऐसा बोलने के लिए इज टू एम टू आर टू का प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मर जो सुप्रीम कोर्ट जज है ए के पटनायक, उनको सुपरवाइज करना है सीवीसी प्रोब को, सीवीसी की जांच को, रेस्पॉन्डिंग टू द गवर्नमेंट रिजर्वेशन अबाउट सच एक्सटर्नल सुपरविजन। देखिए एक्सटर्नल सुपरविजन इसलिए कहा गया है कि ए के पटनायक यहां सुपरवाइज करेंगे जो कि बाहर के व्यक्ति हैं, अब तो इनका सीबीआई से कोई लेना देना है नहीं, या जज ये कोर्ट के जज अब है नहीं, भूतपूर्व जज हैं। तो इसके प्रत्युत्तर में कि ये गवर्नमेंट का रिजर्वेशन के अंदर आता है, ये गवर्नमेंट अपने सुरक्षित अधिकारों में इसका यूज कर सकती है, इस प्रकार के एक्सटर्नल सुपरविजन का ऑफ द वर्क ऑफ ए स्टैचुरी अथॉरिटी, कोई भी वैधानिक अथॉरिटी का कार्य है उसको सुपरवाइज कर सकती है। हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्टैचुरी अथॉरिटी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि निरीक्षण करे ओवर द सीबीआई, सीबीआई पर एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशंस में जब भी इन्वेस्टिगेशन चले उस समय द कोर्ट क्लैरिफाइड, तो कोर्ट ने इसको रेस्पॉन्ड देते हुए क्लैरिफाई किया है, ये बात स्पष्ट की है दैट इट इज अ वन टाइम एक्सेप्शन, कि ये एक समय पर एक बार किया जाने वाला एक्सेप्शन है, अपवाद स्वरूप है, गिवन द पेक्यूलियर फैक्ट्स ऑफ दिस केस, जो कि केस की विचित्रता या पेक्यूलियर फैक्ट्स है उनको देखते हुए ऐसा किया जाता जा सकता है। पेक्यूलियर का मतलब विचित्र होता है। द कोर्ट हैज एड्रेस द पॉसिबिलिटी, कोर्ट ने यह भी संभावना जताई है दैट द क्राइसिस कुड बी कंपाउंडेड, कंपाउंड का मतलब है बढ़ सकता है, बढ़ने को बोलते हैं कंपाउंड, कि ये जो आरोप जो ये संकट है ये गहरा सकता है, ये बढ़ सकता है, इफ द इंटरिम डायरेक्टर मेक्स एनी फार रीचिंग डिसीजंस। इंटरिम डायरेक्टर कौन है, एम नागेश्वर राव की बात यहां पे की जा रही है। इंटरिम डायरेक्टर मतलब अस्थायी तौर पर कार्यकारी डायरेक्टर वहां पे बनाए गए हैं आलोक वर्मा की अनुपस्थिति में। फार रीचिंग का मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट है, कि जब अंतरिम डायरेक्टर जो है वो कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, इंपॉर्टेंट को फार रीचिंग बोलते हैं, अगर वो खुद से ही कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे तो ये गहरा सकता है संकट। इट हैज आस्क्ड हिम, अभी ये हिम यहां पे एम नागेश्वर राव के लिए है, इट यहां पे कोर्ट के लिए है, कोर्ट ने उनसे कहा है कि अपने आपको आप सीमित रखें, कन्फाइन के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग सकता है, जैसे कि यहां हिमसेल्फ लग रहा है। कन्फाइन का मतलब लिमिट करना है, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो अपने आप को सीमित रखें रूटीन टास्क तक ही, टू कीप द एजेंसीज वर्क गोइंग, ताकि एजेंसी का कार्यक्रम चलता रहे, जो भी कार्य चलते हैं रूटीन के कार्य वो चलते रहें। अ रिव्यू ऑफ मिस्टर राव्स अर्ली डिसीजंस ट्रांसफरिंग की ऑफिसर्स इज पॉसिबल, कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई ये जो रिव्यू किया जा सकता है, फिर से अवलोकन किया जा सकता है। मिस्टर राव ने क्या किया था, आते ही राकेश अस्थाना के केस की जो जांच पड़ताल कर रहे थे उनको ट्रांसफर दे दिया था, जो की ऑफिसर्स हैं महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर कर दिया था, तो इसको रिव्यू किया जा सकता है। द कोर्ट हैज सोर्ड द डिटेल्स इन ए सील्ड कवर, और कोर्ट ने सर डिटेल्स जो है वो सील्ड कवर में चाहिए, सीक्रेट एकदम इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए, कोर्ट ने कहा है। द कोर्ट इंटरिम ऑर्डर दस गोज बियॉन्ड कामिंग द एयर, कामिंग द एयर माहौल शांत करने को कह सकते हैं, तो कोर्ट का जो ये अंतरिम आदेश है ये तो इससे भी परे है, माहौल को तो शांत किया ही है, लेकिन साथ साथ में इट वर्क्स एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी फर्दर डैमेज, इसने एक रक्षा के कवच के रूप में काम किया है, सेफ गार्ड का मतलब रक्षा कवच आप कह सकते हैं, एक रक्षा कवच के रूप में काम किया है एनी फर्दर डैमेज, ताकि
कोई भी आगे हानि ना हो टू द इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन, इंस्टीट्यूशन के रेपुटेशन को, इंस्टीट्यूशन कौन, सीबीआई की बात यहां पे है, एंड क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को यहां पे नुकसान ना पहुंचे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, इस केस के पेंडिंग होने तक, मतलब केस जब तक सेटल नहीं हो जाता तब तक इसकी विश्वसनीयता रेपुटेशन बनाए रखनी है, इसके सेफ गार्ड के रूप में भी कोर्ट काम कर रहा है। एंड इज अ मीन्स टू ए क्विक रेजोल्यूशन, और एक साधन बना है कोर्ट यहां पे क्विक रेजोल्यूशन का कि जल्द ही समाधान निकल कर आ जाए, इसके लिए प्रमुख सहायक के रूप में भूमिका इसने निभाई है। इट ऑल्सो प्रिजर्व द लीगल क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्शन बेस्ड ऑन द सीवीसीज ऑर्डर अगेंस्ट हिम, इट ऑल्सो प्रिजर्व द लीगल क्वेश्चन, साथ ही कोर्ट जो है वो लीगल क्वेश्चन प्रिजर्व करता है, संरक्षित रखता है, अराइजिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्शन, जो कि गवर्नमेंट के कार्यकलापों से, जो क्रियाएं, जो कार्य गवर्नमेंट ने किए हैं, जो एक्शन गवर्नमेंट ने लिए हैं, वहां से प्रश्न उठते हैं बेस्ड ऑन द सीबीसीज ऑर्डर अगेंस्ट हिम, जैसे कि सीबीसी का आदेश है उनको उनके खिलाफ, इस प्रकार की चीजें। नोटिस हैज बीन इश्यू टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया जा चुका है, बोथ मिस्टर वर्मा पिटीशन एंड अनदर बाई द एनजीओ कॉमन कोज चैलेंजिंग द ऑर्डर अगेंस्ट मिस्टर वर्मा, तो नोटिस जारी किया जा चुका है गवर्नमेंट को दोनों ही केसेस में, एक तो मिस्टर वर्मा की पिटीशन के केस में, याचिका के केस में, और दूसरा एनजीओ कॉमन कोज एक सामान्य कारण बताने के लिए कि चैलेंजिंग द कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट मिस्टर वर्मा, कि आपने जो आदेश दिए गए थे उनको चैलेंज कैसे किया गया मिस्टर वर्मा के, इस बारे में क्वेश्चन सच एज वेदर द सीवीसीज पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एक्सटेंड्स टू रेकमेंडिंग स्ट्रिपिंग अ डायरेक्टर ऑफ हिज पावर्स एंड फंक्शंस एंड वेदर सच अ स्टेप रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द कमिटी दैट अपॉइंट्स डायरेक्टर आर स्टिल ओपन फॉर एजुडिकेशन। एजुडिकेशन का मतलब होता है निर्णय, लिख लीजिएगा, एजुडिकेशन का मतलब यहाँ पे है निर्णय या वर्डिक्ट को कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिपिंग का पता है आपको, स्ट्रिपिंग पहले भी हमने दो तीन दिन पहले डिस्कस किया था एडिटोरियल में, ये रिमूव करने को, हटाने को बोलते हैं। तो ये कह रहा है आगे कि क्वेश्चंस, प्रश्न सच एज वेदर द सीबीसीज पावर, कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं कि क्या सीबीसी की जो पावर है, सुपरिंटेंडेंस की पावर है, आप सुपरवाइज कर सकते हैं, क्या वो पावर एक्सटेंड की जा सकती है, क्या उस पावर को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाकर यहां तक पहुंच जाए कि वो रेकमेंड कर दे किसी डायरेक्टर को अपने पद से हटाने के लिए, जैसे कि सीबीसी ने हाल ही में आलोक वर्मा के केस में किया है। एंड फंक्शंस एंड वेदर सच अ स्टेप रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द कमिटी, और क्या इस प्रकार का कदम अगर उठाया जाता है तो क्या उसको अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है कमिटी के, समिति के, जो समिति अपॉइंट करती है डायरेक्टर को, जैसे कि हमने चर्चा की थी, इसे प्रतिपक्ष का नेता होता है, प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पे हिस्सा लेते हैं और सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, तो क्या उस कमिटी से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये कुछ प्रश्न उठते हैं। आर स्टिल ओपन फॉर एजुडिकेशन, ये भी एजुडिकेशन के लिए ओपन है, ये विषय भी निर्णय के लिए ओपन है। जुडिशियल इंटरवेंशन ऑफन सर्व्स टू क्वाइटन, क्वाइटन का मतलब शांत करने को बोलते हैं, न्यायिक जो हस्तक्षेप है वो अक्सर काम करता है मूड को शांत करने के लिए, क्वाइटन द मूड, शांत करने के लिए, सरचार्ज एटमोस्फेयर, सरचार्ज लिख लीजिएगा, सरचार्ज वैसे कि आवश्यकता से अधिक को सरचार्ज कहते हैं, कि एक्सेसिव टेंशन है, जो बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल है उस प्रकार के माहौल में शांत करने का काम करता है जुडिशियल इंटरवेंशन होता है, कोर्ट हस्तक्षेप करता है, दिस इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस हियर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पे बन जाता है। रिपोर्ट दैट फोर मैन फ्रॉम द आईबी वर कोर्ट बाय मिस्टर वर्मा सिक्योरिटी स्टाफ, एक रिपोर्ट कुछ ऐसी भी थी कि चार आदमियों को जो आईबी के आदमी थे उनको पकड़ा गया मिस्टर वर्मा के सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा ऑन सस्पिशन ऑफ माउंटिंग सर्विलांस, माउंटिंग का मतलब बढ़ता हुआ, बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने बहुत इंटेंस सर्विलांस करवाया था, निगरानी करवाई थी आलोक वर्मा पे, कॉज अनईज, ये भी अनईज कर देने वाली है, बेचैन कर देने वाली घटना है, दिस इज नॉट टाइम ऑफ फॉर डिस्ट्रस्ट, लेकिन अब ये समय नहीं है अविश्वास का या म्यूचुअल रिक्रिमिनेशन का। रिक्रिमिनेशन का मतलब होता है काउंटर अटैक आप कह सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप कह सकते हैं, आपस में आरोप लगाने का समय नहीं है, किसी पर अविश्वास करने का समय नहीं है। तो दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है 27th October 2018 का, एक और एडिटोरियल मुलाकात होगी मंडे को एक नए एडिटोरियल के साथ में, इंजॉय करते रहिए सेशंस, देखते रहिए, बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगे, 250 का आंकड़ा है वो हम क्रॉस कर चुके हैं इस चैनल पर। दोस्तों तो अपनी बात ये पहुंचाएं, दोस्तों को चैनल से जोड़ें, और अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, आपके सुझाव जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको मुझ तक पहुंचते हैं, मैं पढ़ता हूं समय मिलने पर, लेकिन समय का अभाव रहता है इस कारण से इतना मैं आपको जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपके लिए रेगुलर वीडियो की श्रृंखला चलती आ रही है और बहुत सारे नए नए वीडियोज में लेकर आता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन, सी यू वेरी सून विद अ न्यू एडिटोरियल और अ न्यू सेशन ऑफ एनी अदर टॉपिक, टिल देन गुड बाय।